हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 76 जो है उसका सही आंसर है, जो टेस्ट 5 है आपका विजन एस का, 76 का आंसर है आपका A1 ओनली, क्योंकि ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज मैन हैड नो नॉलेज ऑफ कल्टिवेशन। ये तो सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग दिस एज मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल, ये गलत है, क्योंकि इन 9000 BC बिगन एन इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज, जिसे हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। ये जो ट्रांजिशन फेज था बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्योलिथिक एज, इस एज के लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था, ना कि पैलियोलिथिक एज के लोगों ने। तो यहाँ पे जो सही एज होना चाहिए डोमेस्टिकेशन का, वो होगा आपका मेसोलिथिक, ना कि पैलियोलिथिक। जो क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, वो है गुप्ता रूलर्स के ऊपर। तो जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें से सही आंसर है आपका डी, मतलब नीदर वन नॉट टू, दोनों ही ऑप्शन गलत है। क्योंकि जो ब्रेकअप हुआ था मौर्यन अम्पायर का, तो उसमें सत्वाहाना और कुसानास जो थे वो इमर्ज किए थे एज टू लार्ज पावर्स, ठीक है। और ऑन द रूइंस ऑफ कुसान एम्पायर अरोज अ न्यू एम्पायर दैट एस्टेब्लिश्ड इट्स वे ओवर अ सब्सटेंशियल फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉर्मर डोमिनियंस ऑफ द कुसान। दिस वॉज द एम्पायर ऑफ द गुप्ताज। गुप्ताज वे पॉसिबली फ्यूडिटरीज ऑफ कुसान्स इन UP। उसी तरह समुद्रगुप्ता के बारे में अगर हम देखें तो ही वॉज द ऑपोजिट ऑफ अशोका। अशोका बिलीव्ड इन पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन अग्रेशन, लेकिन जो समुद्रगुप्त थे वो वायलेंस और कॉन्क्वेस्ट में यूज़ करते थे, उसे बिलीव करते थे। तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइक अशोका, ये नहीं होगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट थे अगर हम पीस और नॉन अग्रेशन में देखें, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट वन गलत हो जाएगा। और जो कोर्ट पोएट थे उस समय वो थे हरिसेना, ठीक है। उनका जो इंस्क्रिप्शन है वो है अलाहाबाद में, और ऑन द सेम पिलर दैट कैरीज द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीस लविंग अशोका। तो ये बात तो सही है कि अलाहाबाद जो प्रयागराज में है, इंस्क्रिप्शन जो है उसमें दोनों के बारे में मेंशन है, समुद्रगुप्त और अशोक के बारे में। समुद्रगुप्त नेवर न्यू डिफीट एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी एंड जनरलशिप ही इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसी तरह चंद्रगुप्त टू के बारे में अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त टू सॉ द हाई वाटर मार्क ऑफ द गुप्ता एम्पायर। चंद्रगुप्ता टू एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य विच हैड बीन फर्स्ट यूज बाय उज्जैन रूलर इन 58-57 BC एज मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द साका सत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया। द उज्जैन रूलर इज ट्रेडिशनली कॉल्ड संकरी और द एनिमीज ऑफ द साकाज। द विक्रम संवत और ईरा वॉज स्टार्टेड इन 58-57 BC बाय सकरी। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि चंद्रगुप्त टू वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल विक्रमादित्य टू मार्क हिज विक्ट्री ओवर सत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये भी गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखो तो फर्स्ट टू अडॉप्ट, ये फर्स्ट टू अडॉप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त टू अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य विच हैड बीन फर्स्ट यूज बाय उज्जैन रूलर, ठीक है, एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर सात। तो उज्जैन रूलर जो थे इज ट्रेडिशनली कॉल्ड संकरी और द एनिमीज ऑफ द साकाज, ये थे फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल विक्रमादित्य। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 78। ये आपका एक टर्म, आपको पता है हिस्ट्री में अलग अलग टर्म्स के ऊपर भी पूछते हैं, तो ये टर्म है आपका अग्रहारा, और आपको बताना है कि ये किससे कनेक्ट करता है। तो देखिए, इसका सही आंसर है, ये एक ऐसा लैंड ग्रांट है जो कि ब्राह्मण्स को दिया जाता था बाय रॉयल पैट्रोनेज, ठीक है। इसका मतलब अग्रहारा अगर हम कहें तो इसका यही मतलब है। जो क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, वो सूफिज़म के ऊपर है। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर इसमें से सही मैच किया हुआ है। तो देखिए, तीनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जो तजकीरस है वो लेटर लिखा है जो रिटन जो लिखे जाते हैं बाय सूफी मास्टर्स एड्रेस टू द डिसाइपल्स एंड एसोसिएट्स। मकतूबत अगर हम देखें तो ये है सेंट्स के बायोग्राफीज़। मलफूजत देखें तो ये है कन्वर्सेशन जो कि सूफी सेंट्स करते थे। तो ये तीनों ही जो टर्म है वो सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है, तो आपको बताना है इसमें से कौन गलत है। अगर आप स्टेटमेंट देखो तो देखिए, जो गलत स्टेटमेंट है वो है कि इंडस वैली पीपल वर अनअवेयर
अनअवेयर नहीं, वे अवेयर थे कोल्ड के बारे में. फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है कि पिट बर्यल वर प्रिवलेंट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली पीपल हैड एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द मेसोपोटामियंस और इंडस वैली पीपल यूज द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट और मेजर. ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये आपका सही है. तो इस तरह से हमने 75 से 80 तक सॉल्व कर लिया. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 81 से स्टार्ट करूँगी. आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है. अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.